बंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ज्योतिष विद ने बताया कि रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा 19 अगस्त को रात 11:55 तक रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मान्य है। 19 अगस्त को दोपहर 1:33 तक भद्रा रहेगी, लेकिन चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती के किसी शुभ कार्य पर भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः पूरे दिन बिना निसंकोच रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। आपको केवल राहु काल में राखी बांधने से बचना होगा। रक्षाबंधन के दिन राहु काल भी लगने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। कल रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पर्व कल मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन के पर्व को लेकर आपसे ये जानकारी जानना चाहेंगे कि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने का जो समय है वो क्या रहने वाला है? देखिए, एक तो बहुत बड़ी शुभकामना, ये महापर्व है, भाई बहन का प्यार का पर्व है। श्रावण की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। हमारे ज्योतिष में श्रवण नक्षत्र में जब श्रावण की पूर्णिमा आता है तब ये महापर्व बनता है। 8:10 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। मकर में चंद्रमा का गोचर रहेगा। एक भद्रा का यहाँ विचार करना चाहिए, भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा। लिखा गया कि स्वर्गे भद्रा शुभ कार्यम, पताले च धनागमन, मृतलोके यदा भद्रा सर्वकार विनाशनी। स्वर्ग के भद्रा शुभ होता है, पताल का भद्रा से धन का आगमन होता है, मृतलोक के भद्रा का दोष लिया गया है। ये पताल लोक में भद्रा, इसीलिए इसका कोई भद्रा का विचार है ही नहीं। 1:31 तक भद्रा रहेगा दोपहर तक, लेकिन इसका कोई विचार भद्रा का नहीं है। 7:30 से 9 तक राहु काल है, ये 1.5 घंटा राहु काल में रक्षाबंधन ना करें, उसके बाद से रक्षाबंधन का महापर्व आप शुरू कर दें। ये हम जहां भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, सब भाई बहन एक दूसरे के घर जाके मिलजुल के ये महापर्व को मनाते हैं। महालक्ष्मी भगवती ने राजा बलि को अपने भाई बनाई और पाताल लोक में जाकर के रक्षाबंधन की, और भगवान श्री हरि नारायण को जो उनके द्वार पे थे उनको वहां से मुक्त करा के संसार में लेके आई। ये महापर्व है, इसको खूब खुशी से मनाएं, खूब शांति से मनाएं, एक दूसरे के शांति के संदेश दें। इस दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध के कामना करती है कि मेरे भाई का जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे, बुरी नजर ना लगे, हमारा राष्ट्र भी समृद्ध बने, देश समृद्ध बने, सनातन का जो हमारा देव तत्वकार है वो आगे बढ़े। ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन से मैं इस चीज को पुरजोर एक आपको बता रहा हूं, या इसमें भद्रा का विचार ना करें और आगे बढ़ करके आप 9 बजे के बाद अपना महापर्व को मनाएं। और अगर आप पंजाब में जाएं, जम्मू कश्मीर जाएं या हिमाचल में जाएं, तो वहां कोई विचार ही नहीं किया गया है, शास्त्र मत नहीं है, बल्कि वो लोग अपना सुबह सुबह ही सब कर लेते हैं। इसीलिए आप जो है इसमें महापर्व को 9 बजे से प्रारंभ कर दें और पूरा दिन आप महापर्व मनाएं। जी श्वेता जी।
जी पंडित जी, इस दिन राहु काल भी लग रहा है और राहु काल में राखी बांधने से बचने की भी बात सामने आ रही है, तो ये राहु काल जो है ये कल कितने समय से और कितने समय तक रहेगा? सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ये 1.5 घंटा राहु काल में रक्षाबंधन ना करें, ये दोष लिया गया है, बल्कि भद्रा का विचार इसमें बिल्कुल ना करें। भद्रा 9:50 से 10:50 तक पूंछ में रहेगा। पूंछ का भद्रा जो है मंगलकारी होता है, इस चीज का विचार ऐसे करना नहीं है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि विद्वजनों का मत है 1:25 तक भद्रा का प्रभाव है, बल्कि वो भद्रा पताल लोक का है। तो जब पताल लोक में भद्रा है तो मृत लोक के उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए महापर्व मनाए, ये श्रावणी पूर्णिमा है, ये महादेव के पूरे एक महीना हम लोग जो जप किए हैं तप किए हैं, भगवान शिव को, माँ पार्वती को, शिव पंचायतन को रोज पूजा पाठ किया गया है। इस दिन भगवान नारायण को, भगवान शिव को, गणेश पंचायतन के साथ हम पूर्णिमा के पूजन करते हैं और पूर्णिमा में महापर्व मनाते हैं। ये साल भर बहन इंतजार करती है कि पूर्णिमा आए, श्रावणी पर्व आए, मैं अपने भैया के जीवन में आशीर्वाद प्रदान करूं। हमारे एक ऐसी परंपरा है सनातन में जो दीर्घायु के लिए, मंगल के लिए, बहुत ऐसे भाई हैं जो बॉर्डर पे हैं, सेना में हैं, वहां भी बहन रक्षा सूत्र भेजती है और भेज करके कामना करती है, तिलक करती है, उसके जीवन में जो मंगल है सदैव मंगल बना रहे। आज बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, राष्ट्र में मंगल है, सनातन का मंगल है तो सबका मंगल है। इसीलिए हम सनातनवासी लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग, हम देश में हैं, विदेश में हैं, किसी कंट्री में हम लोग हैं, ये महापर्व को 9 बजे बाद प्रारंभ कर दें और हम अपना 1-31 के बाद भी इसको मना सकते हैं। दोपहर में पूरा दिन महापर्व मनाने का विधान है। भद्रा का विचार इसमें ना किया जाए। श्वेता जी, जी पंडित जी, रक्षाबंधन पर्व की तमाम जानकारियों से अवगत करवाने के लिए धन्यवाद।